कि साइकिल विभाग का फार्म भरा तथे तो हमनों के गरीब आदमी सोच के भर दिया जा कि चलो मिल जाई तो लगातार लोग तमाशा करे सिक्रेटरी को हाउ लियाओ वहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। मऊ जिले के श्रम कार्यालय के अधिकारियों के असहयोग आत्मक रवैया के कारण आशा सहित 300 मजदूरों का रिन्यूअल न होने के कारण इन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब बाबू जात रहे जे नरेगा में काम होता हो सुना था कि साइकिल मिलता गोइन जे फार्म और भर खाती तो गोइन जे मऊ तक लौटाते लोग सिक्रेटरी को या प्रधान को मांगता लोग तो साई नबे दिन काम को तो न सिक्रेटरी बाबू करता न या न प्रधान करता न। तो क्या समस्या है लोगों को? समस्या यही है कि पूरा गांव का जो है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था श्रम कार्यालय में कि रिन्यूअल करने के लिए ये लोग जो है कि मांग रहे हैं कि सिक्रेटरी का प्रूफ चाहिए। हाँ, गांव में जो है उसका चार्ज है, गांव में जाता ही भी नहीं है, कोई नहीं समझ पाता है कि कौन सेक्रेटरी है कौन नहीं है। कितना बार आए होंगे यहाँ पर? 8-10 बार जो है कि सभी लोग आए। हाँ, कुछ ऐसी भी है यहाँ घटना कि जो लोग काम नहीं करने वाले हैं उनके घर जो है कि पहले साइकिल चली गई है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो सही सलामत जो है कि जो सरकार अनुदान दे रही है जाँच पड़ताल कुछ भी हो जाँच पड़ताल कर करके सही जो है कि सही जनता में जो है कि दें लोग। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इनका रिन्यूअल हो ताकि इनको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है कि आप लोग मऊ जनपद के श्रम परिवर्तन अधिकारी के मोबाइल नंबर 9839173317 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इन मजदूरों के पहचान पत्र का रिन्यूअल हो सके और इनको लाभ मिल सके। मैं सत्येंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश, जनपद मऊ से इंडिया अनहट के लिए।